और यात्राएं जो सिखा देंगी वो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा पाता, यात्राएं बहुत कुछ सिखा किसी देंगी। को भी फोटोग्राफी करनी है तो वो गंभीरता से काम करे और तकनीक के पक्षों को भी समझे। दीदी, और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग में। यहाँ पे 5 दिवसीय बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यशाला रखी गई थी, जो जिसका आज अंतिम दिन था। और ऐसे में यहाँ के संयोजक डॉक्टर दिग्विजय सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान था। ऐसे में 5 दिवसीय कार्यक्रम में 2 दिन लगभग अनाथ काजी जी आई थी, जो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर हैं और एक मतलब टूरिस्ट हैं, और जगह जगह जाती हैं अपनी यात्राओं से, लोगों को उनकी वहाँ की जानकारी देती हैं। ऐसे में हम उनसे यहाँ के विषय में जानेंगे और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, किस प्रकार की जानकारी लोगों को दी, उस विषय को जानेंगे और उनसे बातचीत करते हैं। तो इसको इस सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ आपके विश्वविद्यालय में जो ये वर्कशॉप हुई, जो 5 दिवसीय वर्कशॉप थी, ये बहुत ही अद्भुत वर्कशॉप रही, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विषयों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा किया। न केवल साझा किया बल्कि उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर पाई, क्योंकि पत्रकारिता के छात्रों को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, और अगर वो इंडस्ट्री के आए हुए लोग अगर वो ज्ञान देते हैं तो वो लेटेस्ट होता है, अपडेटेड होता है और उनके आगामी जीवन में उनके लिए हेल्पफुल साबित होता है। मैम, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से ये बच्चों के लिए मतलब फोटोग्राफी मतलब किस तरह से करना चाहिए, क्या कुछ बेटर? देखिए, ये वर्कशॉप जो थी उसका विषय था सांस्कृतिक संवर्धन और उसका दस्तावेजीकरण। जो हमारी लोक संस्कृति है वो उसको लेकर हम बहुत ही हमारी लोक संस्कृति को लेकर हम लोग बहुत ही कैजुअल रखते हैं नज़रिया, हम उसके महत्व को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। जबकि हम अपनी संस्कृति का अगर महत्व नहीं समझेंगे तो बाहर के लोग क्या समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको संरक्षित करें। संरक्षित करने के लिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहले हम उसे आइडेंटिफाई करें कि हम जिस नगर में पैदा हुए हैं उस नगर की अपनी सांस्कृतिक धरोहर क्या है। आप उसी जगह पर पैदा हुए हैं, वहीं आते जाते हैं, लेकिन आप उसके पास से होकर गुजर जाते हैं स्मारक के, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो स्मारक कब बना, किन किन लोगों ने उसे बनाने में अपना योगदान दिया, क्या वो ASI द्वारा संरक्षित है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन संरक्षण के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, और एक जागरूक पत्रकारिता के छात्र के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उसको जाने और समझे। विलुप्त तो होते हुए लोकगीतों को लेकर मतलब मैम क्या कुछ कहेंगे? हमारे देश की विविध संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और उसमें उस संस्कृति के विविध आयाम होते हैं। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो कृषि में अलग अलग पक्षों में, जैसे अगर बुआई हो रही है तो बुआई के अलग गीत हैं, जब महिलाएं खेतों में धान रोप रही हैं तो उन धान रोपने के साथ वो एक गीत गा रही हैं जो कि लोकगीत है। उस लोकगीत का अभिप्राय यह है कि अगर वो एक गीत गाते हुए धान रोपेंगी, ऐसी रिसर्च भी सामने आ चुकी है कि संगीत का बड़ा महत्व है। अगर किसी प्लांट को लगाने में आप संगीत का उपयोग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से खिलता है और उसमें से हार्वेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो गीतों का जो महत्व है कृषि के साथ में, फसल के साथ में, वो हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न। मेरा नाम डॉक्टर कायनात काजी है, मैं भारतीय संस्कृति मेरा विषय है, जिसका दस्तावेजीकरण करना मेरा उद्देश्य है जीवन का। मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाती हूँ, पूरे भारत में यात्रा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने देश की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन उस रूप में कर सकूँ जिस रूप में मैं करने में दक्ष हूँ, सक्षम हूँ। यानी मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाती हूँ, मैं कॉफ़ी टेबल बुक बनाती हूँ, और उस पूरी धरोहर को समझने का प्रयास। मैम, आज की कार्यशाला में नटराज की रानी जी, जो वो एक फिल्म, छोटी फिल्म दिखाई गई, उसमें एक बालिका को दिखाया गया, वो जो कि शिक्षा के अभाव में, कहीं ना कहीं शिक्षा का भी अभाव भी दिखाया गया वहाँ पे। तो आज के वर्तमान समय में आप बालिकाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा को लेकर के या फिर पत्रकारिता से संबंधित चीज़ों को लेकर? देखिए, लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, किसी को भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी लड़कियों को, हमारी बालिकाओं को शिक्षित होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो परिवार का आधार है। वो शिक्षित होंगी तो परिवार शिक्षित होगा और हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा। मैम, विश्वविद्यालय को आप क्या कहना, मैं आपका 2 दिन बीता है और विश्वविद्यालय को आप क्या संदेश देना चाहती हैं और हम लोगों के बीच आपको क्या कैसा? अच्छा, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस होता है, दूसरी बार आई हूँ मैं एक वर्कशॉप के लिए,
और देखकर खुशी होती है कि एक सरकारी विश्वविद्यालय है और वो रिसर्च को लेकर इतना इतना सक्रिय है, जागरूक है कि अपने बच्चों को अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट से मिलवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और उसको बहुत सारगर्भित तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां साझा हो सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैम, आप देश के एक बड़े ट्रोलर हैं, फोटोग्राफर भी हैं और ट्रोलर भी हैं, तो आप इस विषय पे आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? अपने देश को देखिए, घूमिए, सबसे सस्ता साधन है भारतीय रेल जी। और यात्राएं जो सिखा देंगी वो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा पाता, यात्राएं बहुत कुछ सिखाती हैं। तो जब भी समय मिले आप जाइए, यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको समृद्ध बनाएंगी, आपके लेखन में गहराई पैदा करेंगी, आपके वाचन में गहराई पैदा करेंगी, आप अनुभवों से आपको समझ। अभी तक आप कितने देशों में और कितने भारत के कितने हिस्सों में आप गई हैं, कितने प्रदेश? मैंने अब लगभग पाँच साल में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा अकेले की है, अपना देश लगभग पूरा देख लिया है। कुछ मैम यादगार पल बताएं हमारे दर्शकों को इस मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे अनुभव हैं जो यादगार हैं। आप जब इतनी यात्राएं करते हैं तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए कोई नई जगह है या आपको डरने की जरूरत है। आपको लगता है अरे सब तो अपने हैं, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, भाषा का अंतर भी उतना अंतर नहीं रह जाता क्योंकि हम भारतीय हैं और हम सब में अतिथि देवो भव की भावना विद्यमान है। तो भाषा कोई भी हो लेकिन लोग स्वागत करते हैं, मिलते हैं प्रेम से, अपने घरों में स्वागत करते हैं, भोजन साझा करते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत यादगार। आप एक लेखिका हैं और आप बुक भी बहुत लिखे हुए पत्रकारिता के बारे में, जानकारी लेने के लिए आपका कौन सा सा बुक है, किसे कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जो बच्चों को कुछ जानकारी मिले, जो पत्रकारिता जगत बच्चों के लिए हित करूं? देखिए सोशल मीडिया मैंने आपका देखा है मैम जी। मेरी एक पुस्तक है राहगिरी, जिसमें के अलग अलग ब्लॉग्स हैं, मेरी अलग अलग यात्राओं के वृत्तांत समाहित हैं। उसके अलावा अगर हम भारतीय संस्कृति पर विशेष रूप से बात करें तो हाल ही में मैंने मुरैना में दस्तावेजीकरण किया है, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण किया है जो कि मध्य प्रदेश शासन के लिए किया है। उसकी दो पुस्तकें हैं, मुरैना का मुकुट और मुरैना की सांस्कृतिक धरोहर, वो ज़रूर देखें। उसके अलावा कई और पुस्तकें हैं जो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैम कोई मतलब ऐसी कोई घटना आपके जीवन में, एक महिला होते हुए कोई ऐसी घटना जिससे आपको मतलब कुछ नया राह मिला हो, कुछ नई जानकारी देखने को मिली हो? मैं सोशल मीडिया पे ये भी देखा हूँ मैम, आप एकदम फ्रैंकली इस तरह से मतलब रहती हैं, तो कैसे आप अपने आप को मतलब फील करती हैं? देखिए हमारे देश में आज हम जिस समय में गुजर रहे हैं, ये समय ऐसा है कि जब देश में महिलाओं की गिनती ज्यादा है पुरुषों से, ये पहली बार हो रहा है कि हम संख्या में ज्यादा हैं। और आने वाला समय देश का, हम अभी तक विकासशील देश हो कहे जाते थे, हम विकासशील से ज्यादा विकसित देश हो चुके हैं, युवाओं का देश है और महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त है। बस महिलाओं को जरूरत ये है कि वो एक लाइबिलिटी बनकर अपना जीवन ना जिए, वो अपने आप को मजबूत बनाए, अपने आप को सक्षम बनाए, चाहे वो ज्ञान के स्तर पर हो, चाहे वो स्किल के स्तर पर हो, ताकि वो भी अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। तो महिलाओं को कमर कसना चाहिए, जब आप प्रोफेशनल हैं और आप रणभूमि में उतरे हैं तो आप ये ना सोचें अरे नहीं मैं लड़की हूँ, अरे मैं कैसे करूंगी। आप अगर मजबूती से अपने स्पोर्ट्स शूज पहनिए, कमर कसी है, और महिलाओं में बहुत शक्ति है, पुरुषों से ज्यादा शक्ति है। यूनिवर्सिटी में आप आए फोटोग्राफी से संबंधित, बच्चों को अपनी जानकारी ज्ञान दिया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए फोटोग्राफी एक बहुत बड़ी विधा है और रियलिस्टिक है, मतलब जो दिखता है वही वो काम करता है, तो हमें फोटोग्राफी में काम करना चाहिए और गंभीरता से काम करना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि अगर अगर किसी को भी फोटोग्राफी करनी है तो वो गंभीरता से काम करे और तकनीक के पक्षों को भी समझे, तो अगर वो तकनीक के पक्ष को समझेगा तो वो विभिन्न विषम परिस्थितियों में भी काम कर लेगा। तो इसलिए तकनीक को समझते हुए अच्छी फोटोग्राफी करनी चाहिए। किन विषयों पे मतलब फोटो कवरेज करना चाहिए शुरुआती दौरान भी? देखिए शुरू में तो हम अपने घर के आसपास अपने घरों से शुरू करें, लॉन में शुरू करें, फूल की फ़ोटो करें, घर की फ़ोटो करें, नदी नालों की फ़ोटो करें। उसके बाद अपनी रुचि, आपकी जिस विषय में जिस में रुचि हो आप उसमें काम करिए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करिए, यानी उसका एक वृत्तचित्र तैयार करिए, एक कहानी तैयार करिए, रिपोर्ट तैयार करिए। और लेकिन उससे पहले आपको टेक्निक जानना होगा, तकनीक जाननी होगी, और किसी भी कहानी को फोटो रिपोर्ट को तैयार करने के लिए उस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त,
और उसमें कौन कौन सी तस्वीरें होनी हैं, क्या क्या तस्वीरें होनी हैं, वो आप पहले से विचार करें और फिर स्पॉट पर जाएं या फोटोग्राफी करें और फिर आप उसे प्रस्तुत करें, और अगर ज़रूरत हो तो फिर जाएं, ना हो तो ना जाएं। जी जी, संस्कृत परंपराओं से जुड़ा ये 5 दिवसीय का कार्यक्रम था, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? यह एक अच्छा आयोजन था और इसमें बच्चों को भी और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम आए और जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति से हम बच्चों के, दरअसल जब हम कहीं जाते हैं तो सिर्फ अपनी बात नहीं लेते, हम उनकी भी बात लेते हैं, तो जो वो कर रहे होते हैं या जिस परिवेश में वो रह रहे होते हैं वो हमें मिलता है, और हम जिस परिवेश में काम कर रहे होते हैं वो उनको मिलता है, और हमारी जानकारी उन तक पहुँचती है, उनके बारे में हम मिलते हैं, तो इसलिए ये कल्चर का आदान प्रदान होता है और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत सफल रहा है कि इतने बच्चे लगातार लगे रहे, लगातार काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर आपसे सर मतलब कुछ सीखना चाहता है या आपके शरण में कुछ, तो उसको लेकर कुछ ऐसा कुछ? देखिए, हम तो बाहर रहते हैं चूँकि दूसरे जिला में हैं, और जब भी अवसर मिलता है तो हम तो फोटोग्राफी के बारे में या पत्रकारिता के बारे में या जो भी है वो बताने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमारे साथ अभी जो बच्ची का फ़ोन आया था वो भी यही फ़ोन कर रही थी, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं और निश्चित रूप से हमसे जो भी संभव होगा वो हम तत्पर हैं। और आपको बता दें कि हम एक दीनदयाल फोटो आर्ट सोसाइटी भी बनाए हैं जिसके माध्यम से बनारस के सारे तमाम छायाकार आकर के फोटोग्राफी सीखते हैं, और कैमरा म्यूज़ियम मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो कैमरा म्यूज़ियम ऐसा कि पूर्वांचल में नहीं है, यानी कैमरा कब से पैदा हुआ और आज की कैमरा की क्या स्थिति है वो सब आप वहाँ आकर के देख सकते हैं, और ये पूरे पूर्वांचल में ये म्यूज़ियम नहीं है, तो एक बड़ा काम है और कोई भी वहाँ आकर के देख सकता है कि अगर आज हम मोबाइल से कैमरा कर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये प्रारंभिक दौर में कैसा था, यानी कि एक कुंतल के भी कैमरे थे और जो साधारण नहीं होता था जिनसे फोटोग्राफी करना, तो ये तो सीखने में बहुत बड़ा योगदान है। सर, एक बार अपना परिचय बताइए। मैं अनिरुद्ध पांडे हूँ और बनारस में वरिष्ठ फोटोग्राफर हूँ और फोटो जर्नलिस्ट हूँ।